पीजीआई द्वारा गत दिनों एक रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा डिप्रेशन और भावनाओं के आहत होने के चलते लिखे गए लेटर को लेकर पीजीआईएमए के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। प्रोफेसर लाल ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हर तरह के कॉलिसियम में एक रेजिडेंट डॉक्टर को स्टूडेंट प्रतिनिधि के तौर पर रखा जाएगा। उनके लिए विशेष तौर पर स्विमिंग पूल, फूड कोर्ट, स्पोर्ट्स ग्राउंड रखे जाएंगे ताकि उनकी मानसिक व शारीरिक सेहत बरकरार रह सके। इसके साथ ही वीकली ऑफ भी दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर ने इस बारे में सबसे पहले अपने थीसिस गाइड से बात की। ये इस बात का सबूत है कि पीजीआई ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा की अखंडता को बनाए रखा है। इसके साथ ही हर रेजिडेंट व स्टूडेंट डॉक्टर को काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें उनकी पहचान पूर्ण तौर पर गुप्त रखी जाएगी। इस मौके पर मीडिया के तीखे सवालों का जवाब प्रोफेसर विवेक लाल ने बहुत ही मधुरता, सौम्यता और पद की गरिमा के साथ दिया। लेकिन रेसिडेंट्स उसके भाग में नहीं थे, उसके नहीं करते थे, विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय प्रोफेसर विवेक लाल कि यू नो कि हम लोग अपना रेसिडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सो दैट दे आल्सो फील दैट दे आर इट वाज देयर। इसीलिए आई गेव द स्टेटमेंट सो दैट थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड हेड इन मीडिया। सो आई वांट टू नो लाइक वी आर डूइंग इनसाइड पीजे, नोबडी नोज इट एक्चुअली। सो आई वाज देयर इन द कमिटी, सो यू कैन सी द डेट ऑफ द प्रेस रिलीज, इट वाज 28, द थिंग हैपेंड इज ऑन 18। So sir took the action on the day itself. So I was there in the committee. So I just want to tell public that. So what are happening? So I have to give the press release. That is 2 days after. So you must have seen. That is the. We never had barriers. These are obstacles. There's no wall between the resident and the fellow. Well, we've been teaching. We've been learning. We've been residents here. वो wall की जगह मैं ये कहूँगा, it's a journey. Anyway, it's a perilous journey in medicine and in any specialty. It's a perilous journey because you're dealing with death, you're dealing with saving lives, and emotions do rise. So that happened. These obstacles, the boulders came in between, and I think it has been handled very nicely. And we want to aim as living as a family, and that is exactly what a bond between a resident and a faculty is. It's like a family, and देखो ये बहुत दुखद घटना थी। दैट बॉय वॉज एन MD फ्रॉम PGI एंड द कंसल्टेंट ऑल्सो इज MD एंड DM फ्रॉम PGI। तो ये दुखद घटना जो हुई तो वी इमीडिएटली स्वंग इन टू एक्शन। ये चीज़ को वी डिसाइडेड दैट वी गो टू द रूट कॉज। द रूट कॉज इज इंक्रीज स्ट्रेस ऑन रेजिडेंट्स, एंड ऑफकोर्स देर वॉज अ मेजर issue because the faculty in wanted that the resident should give the best to the patient. To unko ye laga ki resident is not giving the best, to wo thoda overstep kar gaye and the resident took that step. But natija ab ye hua hai ki both the faculty association and the residents association came together, the committee was formed. Committee mein residents association ka representative throughout tha. He saw the proceedings of the committee and he also signed the minutes of the committee. Natija ye nikla hai, because of restraint from the residents and complete cooperation from the faculty association, the resident has joined back. Taza updates aur badi khabron ke liye subscribe kare Arth Prakash TV aur bell icon dabana na bhule.